प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के बच्चों की एक विशेषता है कि अवसर कोई भी क्यों ना हो, चाहे संडे प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित हुए हों, या परिवार में प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हों, या रिट्रीट जैसा सब चीजों से अलग हटकर बैठकर थोड़ा सा समय आनंद, मंगल, प्रार्थना आदि के लिए जब समय हम अलग हटाकर रखते हैं, तब हमेशा प्रभु के वचन को स्थान दिया जाता है। इसका एक कारण है, और वो यह है कि प्रभु का वचन ही तो है जिसने हमको नया जीवन दिया और हमको बताया कि हम सब एक ही आत्मिक परिवार के अंग हैं। इस कारण इस रिट्रीट में प्रभु का वचन आपके सामने प्रेजेंट करने में मुझे बहुत खुशी है। इस रिट्रीट का जो मुख्य विषय है या थीम है, वो भाई रणजीत ने पहले ही चुनकर बताया था, जो कि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 9वें पद में हमको मिलता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 9वां पद, जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु के महान शिष्य यूहन्ना यूं लिखते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। इसमें आज चर्चा के लिए हमारा थीम है परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। हम यदि एक क्षण अपने स्वयं के जीवन को मोड़ कर देखें, तो आज हम क्यों इस तरह से एकत्रित हुए हैं? वो कौन सी चीज है जिसने हमको एक साथ एक सूत्र में पिरोया है? परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु की गवाही। उसके बारे में आरंभ में ही मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु की गवाही कोई आसान काम नहीं है। प्रभु यीशु की गवाही अपने आप में एक कठिन कार्य है, और आज जो लोग प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं, इनमें कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को दुनिया के नौकरी या बिजनेस आदि से अलग हटाकर अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। ये परिवार ऐसे हैं जो प्रभु यीशु की गवाही के लिए अलग हो गए हैं। प्रभु यीशु की गवाही संसार में देना आसान काम नहीं है। पहली बात, आज इस बात से हम आरंभ करते हैं, प्रभु के गवाह बनना और खासकर पूर्ण रूप से प्रभु की गवाही के लिए अपने आप को समर्पित कर देना आसान बात नहीं है। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनमें जिन परिवारों ने अपने आप को प्रभु की गवाही के लिए अलग किया है, वे लोग इस बात को जानते हैं। आपके सामने आपका साथी गवाह, मैं भी इस बात को जानता हूं। 1984 में नौकरी छोड़कर, अच्छी लगी लगाई सॉलिड नौकरी को छोड़कर, मैं प्रभु के काम के लिए अलग हो गया था। इसका मतलब है
आज से ये समझ लीजिए लगभग 36 साल पहले। इस तरह से प्रभु के लिए जो मैं अलग हुआ, मैं भी इस बात को जानता हूं जो प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु की गवाही के लिए अलग हुए हैं, और जब हम प्रभु की गवाही के लिए अलग हुए हैं तो हमारी जो बुलाहट है वो बुलाहट आसान नहीं है। लेकिन बुलाहट आसान हो या कठिन, उसके पहले यदि हम इस बात को समझ लें कि हमको बुलाहट मिली है, तो हिम्मत के साथ आगे जाने में काफी मदद मिलती है। अपन लोग जानते हैं, जब मैं प्रभु के वचन से ये बातें आपको शेयर कर रहा हूं, तब जो लोग सुन रहे हैं सभी लोग जानते हैं कि भारत की सीमा पर बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। हमारे दुश्मन चीन के साथ बहुत ही ज्यादा टेंशन चल रहा है। कई जवान लोग हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए हैं, इसके बावजूद टीम बाई टीम एक के बाद वो लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि देश की सुरक्षा के लिए उनको बुलाया गया है। जहां उनको ट्रेनिंग दी गई है उस कमांड ने उनको बुलाया है, देश ने उनको बुलाया है, हमारी सुरक्षा करो। उस बुलाहट के कारण वे लोग इवन मौत को गले लगाने से हिचकिचाते नहीं है। तो जब एक व्यक्ति को अपनी बुलाहट मालूम हो जाती है और जब वो उस बुलाहट के लिए तैयार हो जाता है, तो आगे जो भी आता है उसके लिए वो तैयार हो जाता है। चाहे कितना भी कठिन, कितनी भी कठिन स्थिति हो, उसको फेस करना पड़े। तो पहली बात जो आज मैं याद दिला दूं, भाइयों और बहनों, हम सबको प्रभु ने बुलाया है, उस बुलाहट को समझ लें। और जब उस बुलाहट को समझ लें तो उस बुलाहट के लिए जो त्याग देना है, जो त्याग करना है, वो भी हम समझ जाएंगे और उसके लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग कहें कि ब्रदर जॉनसन, बुलाहट तो उन लोगों को मिली है जो प्रभु की सेवा में निकल गए हैं, मैं तो प्रभु की सेवा नहीं करता, मैं नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ या रिटायर हो गया हूँ। उन लोगों को, उन भाइयों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उन बहनों को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि बुलाहट हर मसीही के जीवन में होती है। आदम और हव्वा की प्रभु ने जो सृष्टि की थी उस भाग को देखते हैं तो वहां भी साफ साफ लिखा है कि आदम की वाटिका के प्रति प्रभु ने उनको बुलाया था। इससे एक बात स्पष्ट है कि कोई भी मसीही विश्वासी किसी भी पेशे में क्यों ना हो या कोई नौकरी ना करता हो या रिटायर हो या गृह सेवा कर रही हो, वो भी आपकी बुलाहट है। विद्यार्थी लोग इस बात को याद रखें कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई लिखाई मेहनत से कार्य करना, अपने साथियों के सामने प्रभु की गवाही देना, प्रभु के लिए एक अच्छे गवाह के रूप में जीना, ये आपकी बुलाहट है। इस कारण जब मैं बुलाहट के बारे में बोलता हूँ तो ऐसा कोई ना समझे या ऐसा कोई ना सोचे कि मुझे कोई बुलाहट नहीं मिली है, सबको बुलाहट मिली है। उनमें से आज जिनको प्रभु की सेवा के लिए बुलाहट मिली है, मुख्यतः मैं उनसे बोल रहा हूँ, लेकिन इस संदेश में जितनी बातें हैं वे हम सबके लिए लागू हैं। इस बात को समझकर हम आगे बढ़े। जब हम प्रभु की बुलाहट को समझ लेते हैं तो यह पद हमको याद दिलाता है कि हम इस बात को भी समझ लेंगे कि उस बुलाहट के पीछे जब हम जाएंगे, उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, तो यीशु के क्लेश हमारे जीवन में भी होंगे, धीरज हमारे जीवन में होना जरूरी है। यीशु के क्लेश और धीरज, ये दो स्टेटमेंट पहला यूहन्ना 1:9 में शुरू में मिलता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, और यीशु के क्लेश, और कुछ आगे लिखा है धीरज में, तुम्हारा सहभागी हूं। इसका मतलब है कि सभी विश्वासियों के जीवन में ये दो बातें आनी चाहिए, यीशु का क्लेश और उसके अलावा धीरज। इस विषय को विस्तार से देखने के पहले
जरा इस बात को देखें कि प्रभु यीशु के महान शिष्य यूहन्ना पत्मोस नाम के टापू में क्यों थे। उन्होंने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। यूहन्ना के जीवन का अध्ययन जब हम करते हैं तब उस अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु की गवाही के कारण प्रभु के महान शिष्य यूहन्ना को सजा दी गई थी पत्मोस द्वीप पर। काला पानी शब्द हम सबने सुना है। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे तब यदि कोई हिंदुस्तानी उनका विरोध करता था तो उसको काला पानी पे भेज दिया जाता था। काला पानी का मतलब है हिंदुस्तान के एकदम दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था। आज स्थिति यह है कि अंडमान निकोबार समूह में जीना आसान नहीं है, तो आज से 100 साल पहले किसी व्यक्ति को सजा देनी थी तो उसको अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था, जिसको आज अपन हिंदी में काला पानी पे भेजने का को कहते हैं। मतलब तुम्हारी जिंदगी हो गई बर्बाद, अब तुम ना तो समाज से किसी तरह का संबंध रख सकते हो, ना तुम्हारे आसपास परिवार होगा, बस अकेले अकेले तिल तिल मरने को मजबूर हो जाओगे। यूहन्ना के बारे में इतिहास बताता है कि यूहन्ना को इसी तरह से काला पानी पे भेजा गया था, इसलिए वो पत्मोस नाम के द्वीप में था। लेकिन काला पानी पे उसे क्यों भेजा गया, देश निकाला, उसको दूसरा शब्द है देश निकाला, उसको देश निकाला क्यों दिया गया, प्रभु यीशु की गवाही के कारण। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु की गवाही के लिए समर्पित करते हैं तब कई बार इस तरह की स्थिति आती है जब हमारा परिवार, हमारे मित्र, इवन हमारा समाज हमारा बहिष्कार करता है। हर एक के जीवन में अनुभव नहीं होता है, लेकिन कई लोगों के जीवन में अनुभव होता है, और इसलिए हम इस बात को याद रखें कि जब हम प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं तो बहिष्कार की स्थिति कई बार आ सकती है, और यदि बहिष्कार की स्थिति ना आई तो भी कई बार हमारा जीवन ऐसा अकेला अलग थलग पड़ जाता है जो काला पानी के समान है। तो आज जो प्रभु के दास और उनके परिवार इस संदेश को सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, तुम लोगों की बुलाहट आसान बुलाहट नहीं है। इस कठिन बुलाहट के लिए तैयार रहना, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है, प्रभु की बुलाहट है, प्रभु ने बुलाया है। इसलिए जो लोग पूर्णकालिक प्रभु की सेवा में नहीं है लेकिन इस संदेश को सुन रहे हैं उनको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मसीही जीवन एक बुलाहट है, और इसमें कई बार इस तरह से काले पानी की स्थिति आती है जब हम अलग थलग पड़ जाते हैं अपने विश्वास के कारण। हिम्मत ना हारे, प्रभु ने हमको बुलाया है, और चूंकि प्रभु ने हमको बुलाया है इस कारण हमें हिम्मत के साथ रहना है। अच्छा, अब ये पद हमको जो चीजें बताता है उसको जरा आगे देखें। हम में से हर व्यक्ति को बुलाया गया है। किस किस कार्य के लिए बुलाया गया है, एक तो हमने देखा यीशु के क्लेश में सहभागी होने के लिए, ये कोई आसान काम नहीं है। नंबर दो, धीरज के लिए बुलाया गया। इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, ये है बात जो मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन से अतिरिक्त रखना चाहता हूं। हम बुलाए गए हैं, ये तो इस पद में हमने देखा, यीशु का क्लेश सहना होगा ये हमने देखा, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही देनी है, उसके लिए धीरज हमारे जीवन में कैसे आएगा, इसका जवाब हमको मिलता है रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 3रे पद में। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 3रे पद को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। वहां हम देखते हैं केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। पहले मैंने प्रकाशित वाक्य से पढ़ के सुनाया था यीशु के क्लेश हमारे जीवन में आएंगे। रोमियो 5:3 यह कहता है कि क्लेश में हम घमंड करें, मतलब
क्लेश जब आता है तब वो हमारे जीवन में घमंड की नहीं दुख की बात है, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जब क्लेश आए तब घमंड करें। ऐसा क्यों? इसका कारण आगे दिया हुआ है, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के क्लेश और धीरज में बने रहो, तो प्रभु का वचन अन्यत्र हमको याद दिलाता है कि जब जीवन में क्लेश आता है और यदि उस क्लेश को हम अपनी बुलाहट के हिस्से के रूप में पहचान लें, तो उस क्लेश के द्वारा हमारे जीवन में धीरज आता है। अच्छा, धीरज आएगा तो क्या होगा? ये रोमियो में आगे दिया हुआ है, वहां चौथे पद में लिखा है, रोमियो 5:4 में, धीरज से खरा निकलना। ये खरा निकलने का क्या मतलब है? पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने कसौटी का पत्थर देखा है। मेरा एक मित्र था जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसका काम था जो भी लोग सोना लाकर गिरवी रखते हैं वो सोना प्योर है या नहीं इसको जांचना है। उसके लिए वो एक विशेष प्रकार का पत्थर यूज करता था। उस पत्थर को कसौटी का पत्थर कहा जाता था। उसको बीच बीच में उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती थी। बड़ा लंबा टेक्निक था, लेकिन इस टेक्निक से उस कसौटी के पत्थर को वो मेंटेन रखता था। तो कोई व्यक्ति सोने का आभूषण लाए तो कसौटी के पत्थर पर घिस कर देखता था। अच्छा, मैं आपको बता रहा था धीरज से, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। कसौटी के पत्थर पर घिस कर देखा जाता है कि सोना जो गिरवी रखने के लिए लाया गया है वो असली है या नकली है। एक मसीही के जीवन में धीरज से खरा निकलने का मतलब है कि कसौटी के पत्थर के समान प्रभु मैं और आप अपने जीवन में जिन अनुभवों से होकर गुजरते हैं उन अनुभवों की मदद से मुझे और आपको जांच कर देखते हैं कि हम खरे निकलेंगे या नहीं। सोने के लिए तो पत्थर है जिसकी मदद से देखा जाता है कि वो खरा है क्या। मेरे आपके लिए, मेरे आपके जीवन का अनुभव है जिसके द्वारा प्रभु जांचते हैं कि हम खरे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। सो धीरज से क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आज हम में से जितने लोग इस बात को पहचान गए हैं कि प्रभु ने हमको बुलाया है वो भी अपनी सेवा के लिए, तो हमारे जीवन में फाइनली जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो आशा दिखनी चाहिए। लेकिन यदि आशा दिखनी है तो वहां पर कई स्टेप्स हैं। नंबर वन, अपनी बुलाहट समझें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, लेकिन दो चार बातें सारांश में बताकर समाप्त करना चाहता हूं। नंबर वन, प्रभु ने हम सबको बुलाया है, चाहे प्रभु की सेवा में हो, पूर्णकाल सेवा में हो या नहीं। यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो प्रभु ने आपको बुलाया है, और यदि प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपके जीवन में प्रभु की गवाही होनी चाहिए। और जब आपके जीवन में प्रभु की गवाही दिखाई देगी तो क्लेश होगा, कई प्रकार का क्लेश होगा। लेकिन रोमियो की पत्री 5:3 हमको बताता है कि क्लेश में घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जरा वो सीक्वेंस मैं फिर से याद दिला दूं। प्रभु ने आपको बुलाया है, जब आप उस तरह का जीवन बिताएंगे तो क्लेश होगा, लेकिन जब क्लेश को प्रभु के द्वारा भेजा गया या प्रभु के द्वारा परमिट किया गया हम समझेंगे तो उस क्लेश से धीरज आएगा, धीरज हमको खरा बनाएगा, और जब हम खरे निकलेंगे तब हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होगी। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं
उन भाइयों और बहनों सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बात बताइए, किसी जिम्मेदारी के लिए जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, वो एक असामान्य व्यक्ति होता है, इसीलिए उसको बुलाहट दी जाती है। हाँ, कई बार ऐसे भी बुलाहट होते हैं जिसमें सामान्य व्यक्तियों को बुला लिया जाता है, चुन लिया जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को चुन लेने के बाद उस बुलाहट के अनुसार कार्य करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बुलाहट को एक सामान्य बात ना समझें, विशेष लोगों को ही बुलाया जाता है। सामान्य लोगों को भी बुलाया जाए तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वे विशेष बन जाएं, और इस तरह से ट्रेन होकर हम प्रभु के लिए बहुत ही विशिष्ट लोग बन जाते हैं। ऐसे विशिष्ट लोगों को प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उसको समझने के लिए आज प्रभु हमारी मदद करे। क्लोजिंग से पहले मैं फिर से पूछूं, आपके जीवन में जो बुलाहट है वो आपने पहचाना है क्या? काहे के लिए बुलाए पहचाना है क्या? उस बुलाहट को किस तरह से विश्वास योग्यता से पूर्ण करना है ये आपने पहचाना है क्या? इन सब बातों को पहचान कर पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। प्रभु हम सबके साथ हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो।